सो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैजिक स्टोर में आने वाले नए रिवार्ड्स एंड अपडेट के बारे में। कब आप लोग को मैजिक स्टोर में नए अपडेट के साथ नए रिवार्ड्स देखने के लिए मिलेंगे, कौन कौन से रिवार्ड्स होने वाले हैं, सब कुछ आज के वीडियो में आप लोग के मैजिक स्टोर से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही आज हम लोग बात करने वाले टू नाइट अपडेट के बारे में, यानी कि आज 12 बजे तक आने वाले न्यू इवेंट के बारे में। इसके अलावा OP46 से रिलेटेड काफी सारी नई अपडेट्स एंड चेंजेस निकल कर आ रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले। तो वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की एंड इंटरेस्टिंग होगी, सो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर से देखते रहना। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सो अगर आप लोगों ने काम कर दिया तो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो मेरी आईडी में 3000 से भी ज्यादा डायमंड है, और ये तो कुछ भी नहीं, बहुत सारे डायमंड में एक सीक्रेट ट्रिक का यूज करके बिल्कुल ही फ्री में लेता हूँ, आप लोग भी ले सकते हो। क्योंकि यार ये देखो ना, इस वाले एप्लीकेशन से मैंने टोटल 52,000 तक की अर्निंग की, अभी भी मेरे वॉलेट में 26,300 रुपए पड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ पैसों का यहाँ पे मैंने अपनी आईडी में डायमंड परचेज कर लिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डेली का मैं यहाँ पे कितना सारा पैसा अर्न कर रहा हूँ। अब कुछ लोग ट्राई किए बिना इसे फेक बोलने लग जाते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बचे हुए पैसों को मैं यहाँ डेली अपने बैंक अकाउंट या UPI में विड्रॉ कर सकता हूँ। 1500 रुपए की डेली लिमिट दी गई है, और TDS वगैरह टैक्स वगैरह काटने के बाद आप लोग यहाँ पे मेरे बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देख सकते हो। डेली के मुझे यहाँ पे 1425 रुपए इस वाले एप्लीकेशन की तरफ से रिसीव हो रहे हैं, और कभी कभार मेरा मन करता है गेम से कुछ रिवार्ड्स निकालने के लिए, तो मैं इस वाले एप्लीकेशन का यूज करके डायरेक्ट इससे टॉपअप कर लेता हूँ, या फिर गूगल प्ले रिडीम कोड बना के गेम से टॉपअप कर लेता हूँ। अभी भी मेरी लिंक से डाउनलोड करने पर ये एप्लीकेशन 550 का 2x 1100 रुपए दे रहे हैं। इसके अलावा मेरी तरह अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स को रेफर करके पर रेफरल 50 रुपए अर्न कर सकते हो। गुना अर्निंग करने के लिए डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दी हुई लिंक से डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोग कोई भी ऐसे नए मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है जिससे विंजो पे कभी भी साइन अप नहीं किया हो, तो सिंपली आप लोग को साइन इन करने के बाद काफी सारा बोनस मिल जाएगा। इन बोनस से आप लोगों को कोई भी एक गेम खेल लेना है तो आप लोग को 550 का 2x 1100 मिल जाएगा। इन पैसों से गेम खेलकर आप लोग विनिंग अकाउंट में चेंज करके बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। साथ ही में आप लोग यहाँ पे रेफरल प्रोग्राम देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ पे आप लोग अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप या कहीं पे भी शेयर करके अपने लिंक से इंस्टॉल करवाकर पर रेफरल 100 रुपए तक अर्निंग कर सकते हो। तो फटाफट से डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट अपडेट की बात की जाए तो दोस्तों OP46 अपडेट के बाद आप लोग को FF कॉइन की तरह गेम में बुया पॉइंट्स देखने के लिए मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा बुया पॉइंट्स कलेक्ट करने पर आप लोग को काफी सारे बेनिफिट्स देखने के लिए मिलने वाला है। लाइक पूरे मैच में जितने भी top 3 प्लेयर्स के पास ज्यादा से ज्यादा बुया पॉइंट्स होंगे उनको पॉइंट लीडर बनाया जाएगा। अगर आपके टीममेट में से कोई पॉइंट लीडर बना हुआ है तो आप लोग को बोनस रैंक पॉइंट मिलने वाला है। एंड इसी के साथ में सोच रहे हो कैसे बुया पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, तो ज्यादा से ज्यादा किल करने पर आप लोग को बुया पॉइंट्स मिलेंगे, या फिर आप लोग को FF कॉइन कलेक्ट करने पर, लूट करने पर, या ज्यादा से ज्यादा गेम में मूवमेंट करने पर भी आप लोग को बुया पॉइंट्स मिलने वाला है। एंड यहाँ पे आप लोग को काफी सारी जगह पॉइंट हेलीकॉप्टर देखने के लिए मिलेंगे। मैप में आप लोग को यहाँ पे इस तरीके के निशान देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पे गाइस जाके गाइस आप लोग पॉइंट बुया पॉइंट्स का यूज कर पाओगे, यानी कि टोटल 4000 बुया पॉइंट्स पर आप लोग को ये पॉइंट हेलीकॉप्टर पे आके इस वाले व्हीकल को अनलॉक करने के लिए बोला जाता है। तो आप लोग यहाँ पे अपने 4000 बुया पॉइंट्स लगाकर इस तरीके से पॉइंट हेलीकॉप्टर पे से इस वाले हेलीकॉप्टर को अनलॉक कर सकते हो। हालांकि ये हेलीकॉप्टर नहीं है, बट भाई इसे गेम के अंदर आप लोग उड़ा पाओगे। तो अनलॉक करने के बाद आप लोग को मैप में इनके मार्क देख लेने हैं, पॉइंट हेलीकॉप्टर के पास जाकर आप लोग को अनलॉक बटन पे क्लिक करना है। सिंपली आप लोग के 4000 पॉइंट से ये हेलीकॉप्टर अनलॉक हो जाते हैं, जिसको आप लोग उड़ा के कहीं पे भी ले जा सकते हो, एनिमीज पे फायर कर सकते हो। आप लोग को तो पता ही होगा कि इसे किस तरीके से यूज किया जाता है, इससे रिलेटेड पहले भी हमारे गेम में एक मोड आ चुका है। देखो दोस्तों, अगर आप लोग इस पॉइंट हेलीकॉप्टर पे जाके हेलीकॉप्टर को अनलॉक कर लेते हो और उड़ाने लग जाते हो, तो जाहिर सी बात है कि भाई एनिमीज को पता लग जाएगा भाई आप लोग के इस हेलीकॉप्टर को डैमेज करने वाले हैं। अब आप लोग सोच रहे हो डैमेज हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो गाइस इस हेलीकॉप्टर को उड़ा के आप लोग दूसरे बुया पॉइंट्स पे के ऊपर ले जा सकते हो, ताकि अगर आप लोग का ये हेलीकॉप्टर ब्लास्ट होने वाला हो या काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है, तो आप लोग दूसरे पॉइंट हेलीकॉप्टर पे जाके दूसरा हेलीकॉप्टर यहाँ पे 4000 बुया पॉइंट्स का यूज करके अनलॉक कर सकते हो। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक और यहाँ पे मुझे पॉइंट्स हेलीकॉप्टर देखने के लिए मिल चुका है, तो मैं इस वाले हेलीकॉप्टर से गेट ऑफ कर देता हूँ। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फिर से हम लोग को 4000 बुया पॉइंट्स यूज करने पर यहाँ पे हमारा दूसरा हेलीकॉप्टर मिल रहा है। तो आप लोग इस तरीके से दूसरा हेलीकॉप्टर ले सकते हो, लेकिन गाइस आखिरी के जोन में जब फाइनल सेफ जोन होगा तो ये हेलीकॉप्टर धीरे धीरे करके नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आप लोग इसे उड़ाने की भी कोशिश करोगे तो भाई ये नहीं उड़ने वाला है। तो आखिरी में जाके लास्ट सेफ जोन में आप लोग को इस हेलीकॉप्टर को छोड़ना पड़ेगा। बुया पॉइंट्स का और ज्यादा यूज करने के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गेम में अलग अलग जगह आप लोग को इस टाइप से वेपन बॉक्स देखने के लिए मिलने वाला है, जहां पे आप लोग 3000 बुया पॉइंट्स का यूज करके काफी पावरफुल वेपन ले सकते हो। सभी वेपन्स आप लोग यहाँ पे फ्री में देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन आप लोग इनमें से कोई भी एक परचेज कर सकते हो, सभी आप लोग यहाँ पे परचेज नहीं कर पाओगे। तो इस
तरीके से वेपन बॉक्स से भी आप लोग काफी पावरफुल वेपन लेने के लिए 3000 बुया पॉइंट्स का यूज कर सकते हो एंड और भी ज्यादा बुया पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो। आखिरी के लास्ट सेफ जोन में गाइस आप लोगों को कुछ इस टाइप से हमारा जो पॉइंट इंस्टीट्यूट है देखने के लिए मिलने वाला है, जिसपे आप लोग को अपना नाम बना हुआ देखने के लिए मिल सकता है। एंड ये जो है पॉइंट इंस्टीट्यूट आसपास के एनिमीज को ऑटोमेटिकली स्कैन करता रहता है, जो भी नियर बाय एनिमीज होते हैं इस स्कैनर के अंदर आप लोग को दिखाई देने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों अगर आप लोग एनिमीज को किल करते हो पॉइंट्स लीडर बनने के लिए तो आप लोग के ऊपर एक गोल्ड टाइप का एनिमेशन देखने के लिए मिलता है और एनिमीज को किल करने पर भी यहाँ पे हल्का सा गोल्ड का एनिमेशन देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों एक मैच के दौरान 2 या 3 पॉइंट लीडर बन सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास के एक एनिमी के पास भी यहाँ पे ताज जैसा सिंबल बना हुआ है। तो यार इस तरीके से टोटल 3 टॉप प्लेयर्स होंगे जिनके पास ज्यादा से ज्यादा बुया पॉइंट्स होंगे मैच के दौरान, तो उनको पॉइंट लीडर बनाया जाता है। अब आप लोग सोच रहे हो पॉइंट लीडर बनने का हम लोगों को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो काफी सारा बेनिफिट होता है जो भी पॉइंट लीडर यहाँ पे सबसे ज्यादा बनता है। यानी कि दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एचपी क्विकली आप लोग की रिस्टोर होती है, साथ ही में हर एलिमिनेशन पर आप लोग को 200 FF पॉइंट मिलने वाला है। इसी के साथ में आप लोग को 150 मीटर के भीतर जो भी एनिमीज होंगे उसको ये स्कैन करेगा एंड आप लोग की लोकेशन भी यहाँ पे एक्सपोज हो जाएगी 8 सेकंड के लिए अगर आप लोग बीआर रैंक मोड खेलते हो। साथ ही में आप लोग अगर आपके टीममेट में से कोई भी पॉइंट लीडर बना हुआ है तो आप लोग को बोनस रैंक पॉइंट भी मिलने वाला है। तो कुछ इस टाइप से आप लोग को हमारे गेम में आफ्टर अपडेट इस टाइप का पॉइंट लीडर या बुया पॉइंट्स देखने के लिए मिलेगा। इसी तरह सीएस रैंक मोड भी हम लोग को बुया पॉइंट्स देखने के लिए मिलेंगे, जिनका यूज आप लोग काफी सारे रिवार्ड्स को परचेस करने के लिए कर सकते हो एंड इसका बेनिफिट आप लोग के टीममेट्स को भी मिलने वाला है। लाइक आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऊपर आप लोग यहाँ पे बुया पॉइंट्स यूज करने के लिए काफी सारे रिवार्ड्स परचेस करने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे रिवार्ड्स को पसंद नहीं करते तो ऊपर आप लोग दिए गए बटन से इनको रिफ्रेश कर सकते हो टोटली 3 बार एंड इनको रिफ्रेश करने पर आप लोग के बुया पॉइंट्स भी कट सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ज्यादा से ज्यादा किल करके इन पॉइंट्स को कलेक्ट करके आप लोग काफी पावरफुल वेपन्स एंड काफी सारे नए रिवार्ड्स सीएस रैंक में परचेस कर पाओगे। और दोस्तों गेम प्ले के दौरान गलती से अगर एयर ड्रॉप आप लोग के ऊपर गिर जाता है तो पहले की तरह आप लोग का एलिमिनेशन नहीं होगा, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज लग सकते हैं, बाकी आप लोग सेफली रहने वाले हो। और गलती से अगर बीआर रैंक खेलने के दौरान अगर आप लोग लैंडमाइन के ऊपर चले जाते तो भाई आप लोग को डैमेज नहीं आने वाला है। यानी कि अगर आप लोग किसी एनिमीज के लिए लैंडमाइन बिछा रहे और गलती से आप लोग का पैर उसके ऊपर पड़ जाता है तो भाई आप लोग को बिल्कुल भी डैमेज नहीं आएगा। तो इस तरीके से भी चेंजेस आप लोग को अपडेटेड गेम में देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों आफ्टर अपडेट आप लोग को गिल्ड आइकन के यहाँ पे बैजेस या आप लोग के यहाँ पे लोगो देखने के लिए मिल जाते हैं, इसमें भी नए लोगोस देखने के लिए मिलने वाला है, लाइक फुटबॉल का लोगो, 1-2 लोगो यहाँ पे नए ऐड किए गए जो कि आप लोग को आफ्टर अपडेट गेम में देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद में गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग के मैजिक यूज से रिलेटेड नई अपडेट्स के बारे में। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं काफी सारे सर्वर जैसे कि पाकिस्तान मेना सर्वर, ताइवान सर्वर, वियतनाम सर्वर पर गन स्किन मैजिक यूज में देखने के लिए मिलती है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये वो सारी गन स्किन होने वाले जो कि भाई आप लोग को बहुत जल्द आने वाले कुछ ओवी अपडेट के बाद हमारे इंडिया सर्वर भी मैजिक यूज से एक्सचेंज करने के लिए मिलेगी। यहाँ पे मोस्टली गाइस आप लोग को वो सारी गन स्किन देखने के लिए मिल जाती है जो कि गाइस आप लोग को हमारे इंडिया सर्वर पहले के टाइम वेपरोल में देखने के लिए मिला करती थी। कुछ यहाँ पे आप लोग को बढ़िया गन स्किन भी देखने के लिए मिल जाती है और भाई आप लोग की क्रेजी बनने वाली MP40 जो कि आप लोग को पता है इंडिया सर्वर में कितनी ज्यादा रेयर गन स्किन है, बाहर के सर्वर पर ऐसे ही फ्री में मैजिक यूज से मिल रही है, तो भाई ये भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाती है। तो इस तरह बाहर के काफी सारे सर्वर पर गन स्किन भी भाई मैजिक यूज बनल के साथ अपडेट की जाती है एंड हर बार जब भी ओवी अपडेट आता है तो यहाँ पे नई गन स्किन को ऐड किया जाता है, पुरानी गन स्किन हटा दी जाती है। इसी तरह गाइस हमारे इंडिया सर्वर भी कुछ अपडेट आने के बाद बहुत जल्द आप लोग को गन स्किन भी मैजिक यूज से एक्सचेंज करने के लिए मिला करेगी। अभी गाइस देखो ये कब हमारे इंडिया सर्वर पर अपडेट की जाएंगी इसके लिए कोई कंफर्मेशन अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग को कभी ना कभी इंडिया सर्वर भी गन स्किन मैजिक यूज से एक्सचेंज करने के लिए मिलने वाली है। अब बात करें आप लोग के उन रेयर बंडल्स के बारे में जो कि आप लोग को अपकमिंग टाइम में हमारे इंडिया सर्वर मैजिक यूज से एक्सचेंज करने के लिए दिए जाएंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कुछ टाइम पहले हमारे इंडिया सर्वर आप लोग को ओल्ड इनक्यूबेटर के बंडल्स मैजिक क्यूब में एक्सचेंज करने के लिए दिए जाते थे, हर बार के ओबी अपडेट में 2 नए बंडल्स मैजिक क्यूब में ओल्ड इनक्यूबेटर के ऐड किए जाते थे एंड इस बार भी OB46 अपडेट के बाद या अपकमिंग अपडेट्स में आप लोग के काफी ज्यादा रेयर इनक्यूबेटर के बंडल मैजिक क्यूब में देखने के लिए मिलने वाले हैं। जैसे कि कुछ बंडल निकल कर आ चुके हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अपकमिंग टाइम में कुछ ये रेयर वाले बंडल आप लोग को मैजिक क्यूब से एक्सचेंज करने के लिए मिलेंगे, जिसमें गाइस सबसे पहले आप लोग को हमारा द जोकर रैपर बंडल देखने के लिए मिल जाता है, साथ ही गाइस आप लोग यहाँ पे द जोकर वाइप बंडल देखने के लिए मिल जाता है। आने वाले हर एक बार के ओबी अपडेट में 2 इनक्यूबेटर के बंडल्स को ऐड किया जाएगा जो कि आप लोग यहाँ पे एक एक बारी बारी देखने के लिए मिलने वाले हैं। जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे फिर से हमारा जो स्वार्ड समन वाला बंडल है वो देखने के लिए मिल जाता है एंड इसी तरह आप लोग को इसका फीमेल वाला बंडल भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, काफी ज्यादा आप लोग को यहाँ पे बढ़िया देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके बाद में गाइस आप लोग यहाँ पे बिंग राइड बंडल देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि यार काफी कमाल का होने वाला है। इसी के साथ में इसका फीमेल वाला बंडल ग्लेमिंग राइड
बंडल भी देखने के लिए मिल जाते हैं। दोनों ही बंडल काफी ज्यादा ओपी यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं। इसके बाद में आप लोग के हेलो फेस स्पेशल ग्लेशियर हेलो फेस बंडल देखने के लिए मिल जाते हैं एंड इसका जो कि फीमेल कैरेक्टर का होने वाला है। और इसी के साथ में आप लोग को इसी के कैरेक्टर का मेल का बंडल यानी कि आप लोग यहाँ पे फर्स्ट हेलो फेस बंडल देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि आप लोग को अपकमिंग टाइम में मैजिक क्यूब स्टोर में देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट बंडल की बात की जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग को कार्बन टाइम स्किपर बंडल देखने के लिए मिल जाते हैं एंड इसी के साथ गाइस आप लोग यहाँ पे फीमेल वाला बंडल कार्बन टाइम होपर बंडल भी देखने के लिए मिल जाते हैं। ये दोनों बंडल भी एक बार के ओवी अपडेट में आप लोग के मैजिक क्यूब से एक्सचेंज करने के लिए दिए जाएंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है अभी हमारे इंडिया सुपर सिल्वर थ्रेड बंडल एंड इसी का फीमेल वाला बंडल तो ऑलरेडी मैजिक क्यूब में एक्सचेंज करने के लिए मिल ही रहा है। इसके अलावा गाइस आप लोग को याद होगा कुछ टाइम पहले हमारे इंडिया सुपर इंक्यूबेटर के बंडल को मैजिक क्यूब स्टोर में अपडेट किया गया था तो आप लोग यहाँ पे द ग्रिफ्टी मारियन बंडल देखने के लिए मिल चुका है एंड इसी के साथ का मेल का रेट का बंडल भी आप लोग को वापस से मैजिक क्यूब स्टोर में नजर आ सकता है। एंड इसके अलावा गाइस आप लोग के और कुछ यहाँ पे बंडल निकल कर आ रहे हैं जिनके बारे में बात की जाए तो गाइस वो भी आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक आप लोग यहाँ पे मिस्टर आइस इंपोर्टेंट हेड बंडल देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि विंटरलैंड इवेंट के टाइम आप लोग को मैजिक क्यूब में देखने के लिए मिलेंगे और इसी का फीमेल बंडल भी। बाकी आप लोग को रूबी सामुराई बंडल एंड इसी का फीमेल वाला बंडल भी ऑलरेडी हमारे इंडिया से पहले मैजिक क्यूब स्टोर में देखने के लिए मिल चुका है तो ये भी आप लोग को रिटर्न में देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड गाइस मैं आप लोग को बता दूं इसका फीमेल वाला बंडल भी आप लोग को फिर से हमारे इंडिया से मैजिक क्यूब स्टोर में रिटर्न में नजर आ सकते हैं। इसके अलावा गाइस और दो बंडल यहाँ पे निकल कर आ रहे जिसमें आप लोग को स्टार फ्रोस्ट बंडल देखने के लिए मिल जाते हैं एंड इसी के साथ का गाइस आप लोग को इसमें फीमेल बंडल भी मैजिक क्यूब स्टोर में अपडेट देखने के लिए मिल सकता है इनर गैलेक्सी बंडल जो कि होने वाला है। तो आप लोग को बता दूं ये कुछ बंडल आप लोग के निकल कर आ रहे जो कि अपकमिंग टाइम में आप लोग के हर एक बार के ओवी अपडेट में दो दो करके मैजिक क्यूब स्टोर में अपडेट किए जाएंगे। अभी आप लोग को इनमें से कौन से दो बंडल के मैजिक क्यूब स्टोर में आने का वेट है कमेंट करके जरूर से बताना। और गाइस ये भी बताना कि आप लोग सब लोगों के पास कितने सारे मैजिक क्यूब इकट्ठे हो चुके हैं। बाकी दोस्तों दो चार दिन में आप लोग के मैजिक क्यूब से रिलेटेड गेम में नोटिस आ जाएगा तो सभी बंडल्स कंफर्म हो जाएंगे तभी मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा। और टुनाइट अपडेट की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कल हमारे इंडिया से फिस्ट स्किन से रिलेटेड एक न्यू मोको स्टोर इवेंट दिया जाने वाला जिसमें आप लोग को हमारी दिवाली स्पेशल फिस्ट स्किन एंड थंडरबूम फिस्ट स्किन रिटर्न में दी जाएगी। बाकी आज के लिए इतना, अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।